गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। तो हमने कल एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था, और हमने किया था कि फ्रैक्शंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, सॉल्व। ठीक है, जो पार्ट्स दिए गए हैं आपको उनको सॉल्व करना है। सिंपल है, जैसे कल हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था वैसे ही इसमें भी करना है। देखें, ए पार्ट है 1/12 + 1/12। डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, सेम है, तो क्या करेंगे, वैसे ही न्यूमिरेटर को ऐड करेंगे। सिंपली डिनोमिनेटर को हम एक ही बार लिखेंगे, कॉमन लेंगे, और न्यूमिरेटर को वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, तो कैसे किया, 12 12 है तो एक ही बार 12 लिख लिया। यहाँ पे 1 का 1 प्लस का प्लस 1 का 1 इज इक्वल टू 1 + 1 2 2/12। तो क्या आ गया, अब 2 से ये कटता है, 2 1 2 6, तो आंसर क्या आ गया आपका, 1/6। बी पार्ट में भी सेम है, डिनोमिनेटर सेम, तो 8/15 + 3/15 तो क्या बन जाएगा, 8 + 3/15 इज इक्वल टू प्लस करेंगे तो 11/15। अब ये नहीं कटता है तो हम यही आंसर लिख लेंगे। सी पार्ट है 7/7 - 5/7 तो क्या बन जाएगा, 7 - 5/7 तो क्या आ गया, 2/7। इसको माइनस किया तो आ गया 2/7। डी पार्ट 1/22 + 21/22 तो क्या आ जाएगा, 1 + 21/22 तो 1 + 21 क्या होता है, 22, तो 22/22 कट गया, 22 1 = 22 तो आंसर आ गया 1। सेम है ई पार्ट भी, 5/9 + 6/9 क्या बन गया, 5 + 6/9 इज इक्वल टू 11/9। जहाँ पे कटता है वहीं पे काटना है, जहाँ पर नहीं कटता है उसको वैसे ही रहने देना है। सेम है नेक्स्ट पार्ट, 12/15 - 7/15 तो क्या आ गया, 12 - 7/15 तो आंसर आ गया 5/15। हमने इसको काट लिया, 5 1 = 5 3 = आंसर आ गया 1/3। बच्चे एक और बात, अगर 1 न्यूमिरेटर में है तो उसको लिखना ही लिखना है, अगर 1 डिनोमिनेटर में आता है तो आप लिखो या ना लिखो अपनी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 5/8 + 3/8 तो क्या बन गया, 5 + 3/8 8/8 तो कट किया, 1 = 1 आंसर। एच पार्ट जो है आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। अब आई पार्ट जो है देखें क्या है, 1 - 2/3। बुक पे आपको हिंट दी गई है कि 1 को जो है किसके इक्वल लेना है आपको, 3/3 के, क्योंकि जब हम इसे भी काटते हैं तो 1 के इक्वल आएगा, तो 1 की जगह हमने लिख लिया 3/3 - 2/3 तो क्या बन गया, 3 - 2/3 तो आंसर आ गया 1/3। जे पार्ट होमवर्क है, के पार्ट भी होमवर्क है, एल पार्ट भी आपके लिए होमवर्क है। अब एम पार्ट देखें, तो एम पार्ट में क्या है बच्चे, मिक्स फ्रैक्शन दी है, पहले हम इसको क्या करेंगे, दूसरी फ्रैक्शन में लाएंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे, तो हमने ला लिया 3 2 = 6 + 1 = 7 पता है ना कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को होल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई, और ऊपर न्यूमिरेटर के साथ जो आंसर आता है उसे प्लस करना होता है। 3 2 = 6 + 1 = 7 तो क्या आ गया, 7/3। वैसे ही माइनस 3 1 = 3 + 2 = 5 5/3 आगे सेम 5 - 7 - 5/3 तो आंसर आ गया 2/3। एन पार्ट क्या है, 3 - 12/5 अब 3 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे है 1। ठीक है, दो तरीके हैं करने के। अब देखो 3 है तो मैंने जो है पहले दूसरा तरीका किया है, देखिए कैसे करते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1। तो अब कैसे करेंगे, इसको कर देना है इसके साथ मल्टीप्लाई, 5 1 = 5 लिख लिया। जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है उसके साथ करते हैं डिवाइड, और जो आंसर आता है उसको करते हैं न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई। जैसे 1 के टेबल में 5 कितने आता है, 5 तो 5 3 = 15 ठीक है, माइनस
अब 5 के टेबल में 5 कितने जा आता है, 1 जा, तो 1 12 जा 12। एक बार फिर से देखें, जहां पर अब कुछ नहीं है तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर 1 आएगा। ठीक है, 1 आने से कोई जो है आपके आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आपके लिए इजी हो जाता है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को कर लिया मल्टीप्लाई, 5 1 5। ठीक है, अब जो नीचे डिनोमिनेटर हैं उनके साथ क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 1 के टेबल में कितने ज़ा 5 आता है, 5 ज़ा आता है, और जो ऊपर वाला है उसके साथ आंसर को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 कितने ज़ा 5, 5 ज़ा, 5 3 ज़ा 15, माइनस 5 कितने ज़ा 5, 1 ज़ा, तो 1 12 ज़ा 12। बाकी जो है सेम वैसे ही, ठीक, क्या आ गया 3/5। या फिर अगर हम 3 को लिखे 15/5 तो क्या आएगा, कटकर 3 ही आएगा, क्योंकि 5 1 5 5 3 15। तो हमने लिख लिया 3 की जगह 15/5, 15/5 - 12/5 इज इक्वल टू, वैसे ही सेम 15 - 12/5 इज इक्वल टू 3/5। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।